दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के लोगों को होगा फायदा। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी ये ट्रेन। इस ट्रेन में होगा प्रीमियम कोच, एसी और वाईफाई। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली रैपिड रेल की, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में रैपिड रेल के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल का प्राथमिकता खंड रैपिडेक्स शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। रैपिड रेल के पहले चरण में कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो चालू हो जाएंगे। पहला चरण कुल 17 किलोमीटर की दूरी का होगा और 25 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 मिनट में तय होगी। इस रूट पर कुल 10 ट्रेनें चालू होंगी और एक रैपिड रेल में 1,700 यात्रियों के लिए जगह होगी। रैपिड रेल शुरू होने से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के लोगों को फायदा होगा। इस रेल की खासियत यह है कि इसमें बैठने की व्यवस्था किसी विमान जैसी होगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन में आरामदायक और पीछे तक झुकने वाली सीटें होंगी। अब आपको बताते हैं इस रेल की बड़ी खूबियां। रैपिड रेल में झुकने वाली सीटों के साथ साथ खिड़कियों के अलावा हाईटेक कोच में डिजिटल स्क्रीन होगी, जिस पर यात्री किसी भी वक्त ट्रेन का अपना रूट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल स्क्रीन पर चल रही ट्रेन की मौजूदा स्पीड का भी पता लगा सकते हैं। हर एक रैक में 6 कोच, 1 प्रीमियम और 5 स्टैंडर्ड होंगे। प्रीमियम कोचों के लिए यात्रियों को ज्यादा किराया देना होगा। स्टैंडर्ड कोचेज में से 1 कोच महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। रैपिड रेल में 50% से ज्यादा महिला कर्मचारी होंगी। स्थानीय लोगों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली और मेरठ के बीच रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रीमियम कोच में सफर करने के लिए टिकट लेने वालों के लिए स्टेशन पर एक वेटिंग लाउंज भी बनाया जाएगा। ट्रेन हर एक स्टेशन पर 30 सेकंड के लिए रुकेगी। RRTS नॉर्मल रेलवे प्रणाली और मेट्रो नेटवर्क दोनों से अलग होगा, यानी कि ये लगेगी तो आपको मेट्रो की तरह ही, लेकिन मेट्रो से काफी हद तक ये अलग भी होगी। ये भारत की पहली रेलवे प्रणाली होगी जिसकी अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। रास्ते में 14 स्टेशन होंगे और ट्रेन की औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने की उम्मीद है। डेमो के दौरान ट्रेन की अधिकतम स्पीड 146 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि आप मिनटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे साहिबाबाद से दुहाई डिपो खंड का आज उद्घाटन करेंगे। अभी इसके प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक यानी 17 किलोमीटर के रास्ते को ही खोला जाएगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन हैं। ये स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो है। ट्रेन को इस दूरी को तय करने में सिर्फ 15 से 17 मिनट का वक्त लगेगा। 30,274 करोड़ की लागत से शुरू हो रही इस परियोजना का गलियारा 82 किलोमीटर लंबा होगा। ये दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन से मेरठ के मोदीपुरम तक फैला होगा। वैसे मेल एक्सप्रेस ट्रेन में मेरठ और दिल्ली के बीच 1.5 घंटे और लोकल ट्रेन में 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन रैपिड रेल में सिर्फ लगेंगे 55 से 60 मिनट। अब आपको बताते हैं कि आखिर रैपिड रेल मेट्रो और अन्य ट्रेनों से कैसे अलग है। एग्रोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया 2x2 ट्रांसवर्स कुशन सिटिंग, ऑनबोर्ड वाईफाई, लैपटॉप और हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, डायनेमिक रूट मैप, ऑटो कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम, आधुनिक RRTS। ट्रेन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी। दिल्ली और मेरठ के बीच NCRTC भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्थापित कर रहा है, जो रेल आधारित उच्च गति उच्च आवर्ती क्षेत्र कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है। अधिकारियों के अनुसार ट्रेनों में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी होगा। समर्पित व्हीलचेयर और आसान पहुंच के लिए ट्रेन के दरवाजे के पास स्थित स्ट्रेचर स्पेस जैसी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। RRTS ट्रेनों में एक मानक के साथ साथ प्रीमियम श्रेणी यानी प्रति ट्रेन एक कोच भी होगी, साथ ही एक कोच महिला यात्रियों के लिए भी रिजर्व होगा। ये ट्रेनें उस रूट की आवश्यकता के आधार पर 4 और 6 डिब्बों के खंडों में चलाई जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि ये भारत की सबसे तेज ट्रेनें होंगी, क्योंकि इसकी डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। उन्होंने कहा कि इन RRTS ट्रेनों की औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। RRTS ट्रेनें फायर एंड स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर और डोर इंडिकेटर से भी लैस होंगी। इस ट्रेन में डबल ग्लेज्ड, टेम्पर्ड, बड़ी सुरक्षा, कांच की खिड़कियों के साथ बाहर का मनोरम दृश्य पेश करेंगी। साथ ही इन ट्रेनों में हवा के घर्षण और शोर को कम करने के लिए स्वचालित प्लग इन प्रकार के चौड़े दरवाजे होंगे।
यानी कम वक्त में सुविधाओं से लैस ये ट्रेन आपको आपकी डेस्टिनेशन पर जल्दी और आरामदायक सफर के सहारे पहुंचाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।